आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में विराट कोहली के साथ बेईमानी हो गई। दरअसल जब विराट कोहली अपनी पहली ही गेम खेलने क्रीज पर आए, तभी साइड स्क्रीन के पीछे एक व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ। तभी विराट कोहली ने शॉट खेला, लेकिन साइड स्क्रीन पर खड़े व्यक्ति के कारण विराट कोहली का ध्यान भंग हो गया और शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में खड़े मनीष पांडे को कैच दे बैठे। इससे विराट कोहली इतने खफा हुए कि उन्होंने बैट को अपने पेट पर जोर से मारा और डगआउट में जाकर गुस्से में अपने ग्लव्स और बैट को जोर से फेंक दिया और गुस्से से लाल विराट जोर से कुछ बोलने लगे। फिर अंदर बैठे फोर्थ एम्पायर को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साइड स्क्रीन पर खड़े व्यक्ति को तुरंत हटाने की बात कही। इससे पहले क्रिस गेल भी साइड स्क्रीन पर होने वाली हलचल की शिकायत एम्पायर से कर चुके थे। मैच के बाद विराट कोहली से जब पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन्स की साइड स्क्रीन छोटी है। जब गेंदबाज रनर अप पर था, तभी पीछे से एक व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ और मेरा ध्यान भंग हुआ, लेकिन यह बड़ी बात नहीं है। 9 खिलाड़ी यह काम कर सकते थे, हमें इसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, हम पिछले मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए थे और सभी को एहसास होगा कि उन्होंने गलती की है। अब खिलाड़ियों को जुझारूपन दिखाकर इससे उबरते हुए जोरदार वापसी करनी होगी।